जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदयमित। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 14 दिसंबर के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस कंपनी ने वर्ष 2022 तक 1,00,000 से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसने 2022 तक 1,00,000 से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो चलिए दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो राजधानी है यह है देहरादून और यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो है गैरसैंण। और दोस्तों यहाँ पे तीन दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और दोस्तों यह जो उत्तराखंड है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो कि नेपाल के साथ करता है। और दोस्तों आगे देखते हैं हम तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है हमारा कि DRDO और किसने पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों DRDO ने और जो आपका है भारतीय वायुसेना, इन्होंने मिलकर के पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे दोस्तों देखते हैं जो पांचवा क्वेश्चन है कि श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा क्योंकि यहाँ पे आपको सरयू नदी दिख गया होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब किस महान पुरुष की जन्मस्थली है। तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी ने जो है बलरामपुर में सरयू नहर का राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन जो किया है वो किया है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आगे दोस्तों देखते हैं कि किसने जम्मू कश्मीर में 1,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर में 1,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की जो योजना बनाई है वो बनाया है नीति आयोग ने। किसने बनाया है? नीति आयोग ने। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर और जम्मू, जो कि दोस्तों जो श्रीनगर है यह झेलम नदी के किनारे है और जम्मू जो है तावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो उलर झील है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है। तो दोस्तों भारत की जो पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है वो है दोस्तों पहली एयरलाइन कौन है, वो है इंडिगो। कौन है? इंडिगो। आगे दोस्तों हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन, किसने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया है वो किया गया है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा। किसके द्वारा? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। तो दोस्तों महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि UNO के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी का अध्यक्ष
प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है एजेंसी आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कौन है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी 10वां क्वेश्चन बचा है, तो दोस्तों देखते हैं नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कानियोप 2021-22 लॉन्च की है। तो दोस्तों नीति आयोग ने जो है यह भारतीय फाउंडेशन के साथ मिलकर के कानियोप 2021-22 लॉन्च किया है। दोस्तों यदि आपको इंग्लिश में भी देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।